तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। दिस इज कैरिड आउट थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ द नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि ये जो एक्टिविटी है इंटरनल कम्युनिकेशन, ये हमारे बॉडी के नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो चलिए डिटेल्स में नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज अ रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही तेजी से हमारे बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करता है। मतलब कि नर्व इम्पल्सेस जो होता है वो बहुत ही तेजी से हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। और आप लोग इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस होता है उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड होता है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए वन बाय वन हम लोग नर्वस सिस्टम के तीनों कंपोनेंट के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों डायग्राम के माध्यम से हम ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को जानने का कोशिश करते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम हो गया ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम का। तो इसका एक्यूरेट डायग्राम मैं टॉपिक के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके डायग्राम अपने नोटबुक में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये ब्रेन हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड बीच वाला, थर्ड पेरिफेरल नर्व्स। चलिए तीनों के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड इनसाइड द स्कल। मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है ये स्कल खोपड़ी के अंदर इनसाइड सिचुएटेड होता है। सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लुम्बर रीजन लोअर बैक। मीन्स जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारा स्कल के बेस से, स्कल के जस्ट नीचे से लुम्बर रीजन मतलब कि हमारा लोअर बैक तक होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजुरी एज इट लाइज विथिन द बोन ऑफ स्पाइनल कॉलम। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉलम के अंदर होता है, जिससे कि वह किसी भी तरह की इंजुरी से बचा होता है। स्पाइनल कॉलम का मतलब होगा हमारा रीढ़ के हड्डी, और उसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। थर्ड पेरिफेरल नर्व्स, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स फाइबर विच आर आइदर सेंसरी और एफरेंट नर्व्स विच ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। मीन्स जो पेरिफेरल नर्व्स होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी में फैला होता है, और इसका काम यह होता है कि हमारे पूरे बॉडी से सिग्नल को कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। अब नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस जानते हैं। नर्व इम्पल्सेस कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ ओवर 100 मीटर पर सेकेंड, सो रिस्पॉन्सेज आर ऑलमोस्ट इमीडिएट। मतलब कि जो हमारा बॉडी में जो ये ब्लू कलर में जो नर्व इम्पल्सेस का नेटवर्क फैला हुआ है वो 100 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, सिग्नल को भेजता है, एंड दैट्स व्हाई हमारा बॉडी जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। सेकेंड, नर्व्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रिलीजिंग अ केमिकल द न्यूरो ट्रांसमीटर इन अ टीनी गैप्स बिटवीन देम। मीन्स दो नर्व इम्पल्सेस के बीच में एक टीनी गैप होता है, मतलब कि एक छोटा खाली जगह होता है, उसमें एक केमिकल रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है द न्यूरो ट्रांसमीटर। इसी के वजह से जो नर्व इम्पल्सेस है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। यहाँ पे कम्युनिकेट करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे को सिग्नल भेजना, जैसा कि हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों ये नर्वस सिस्टम का एक्यूरेट डायग्राम है। आप वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम अपने नोटबुक में बना सकते हैं। तो आइए इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट ग्लैंड्स इज सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे डिस्क्रीट ग्लैंड सिचुएटेड रहते हैं, इसी को हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या हैं, इनका हमारे बॉडी में क्या काम होता है। ग्लैंड्स
सिक्रेटरी ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स दैट सर्कुलेट अराउंड द बॉडी इन द ब्लड. मीन्स जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रेट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स जिसको हम लोग हार्मोन कहते हैं, और वो पूरे ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं. ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड. दोनों में अंतर ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट यूज करता है. अब डक्टलेस और डक्ट का मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. अगर हम एक नल है उससे पानी फ्लो हो रहा है और वो फ्लो होते जा रहा है, उसमें कोई मीडियम नहीं है, बस पानी ग्राउंड पे फ्लो होते जा रहा है. और सेकेंड में डक्ट यूज किया गया है, मतलब कि एक और नल है और उसमें पानी तो फ्लो हो रहा है लेकिन उसको एक पाइप के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और वो पाइप के सहारे पानी को कहीं पे ले जाके रिलीज कर रहा है, गिरा रहा है. तो देख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को सीक्रेट कर देता है बिना किसी डक्ट के. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस बाई यूजिंग डक्ट. एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट के सहारे सब्सटेंसेस को सीक्रेट किया जाता है ऑन द सरफेस लाइक जीवन ट्रैक्ट. और भी हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे आगे के चैप्टर में, पूरा इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही दिया गया है. स्पेशल सेंसेस स्टिमुलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स इन सेंसरी ऑर्गन और टिश्यू गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ साइट हियरिंग बैलेंस स्मेल एंड टेस्ट. मीन्स हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन एंड टिश्यू में कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर्स रहते हैं जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, साइट का, देखने का, हियरिंग का, सुनने का, बैलेंस करने का, स्मेल करने का एंड टेस्ट करने का. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द स्मेल ऑफ स्मोक इज परसीव्ड अदर सेंसेस सच एज साइट एंड साउंड आर यूज टू ट्राई टू लोकेट द सोर्स ऑफ फायर. मीन्स जब कहीं इन्वायरमेंट में स्मोकिंग होता है तो हमारा जो साइट एंड साउंड का सेंसरी ऑर्गन होता है वो फायर को लोकेट करने का कोशिश करता है. एंड सिमिलरली उसी समय टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली एसोसिएटेड इन द एंजॉयमेंट, और उस समय जो हमारा टेस्ट एंड स्मेल का सेंसरी ऑर्गन है वो टेस्ट को और स्मेल को रिकॉग्नाइज करता है. इसका टोटल मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइट एंड साउंड का सेंसरी ऑर्गन है वो फायर को लोकेट करता है, वो देखने का काम करता है कि स्मोकिंग कहाँ पे हो रहा है, और जो टेस्ट एंड स्मेल का सेंसरी रिसेप्टर है वो स्मेल करके पता लगाता है कि स्मोकिंग का टेस्ट कैसा है, वो स्मेल कहाँ से हो रहा है उसे पता लग जाता है. कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हैं. इन ह्यूमन रिकॉग्नाइजेबल साउंड्स प्रोड्यूस बाय कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द थ्रोट एंड चीक्स एंड मूवमेंट ऑफ द टंग एंड लोअर जॉ आर नोन एज स्पीच. मीन्स जब ह्यूमन बॉडी में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थ्रोट एंड चीक होता है एंड जब टंग, जीभ और लोअर जॉ एक साथ हिलता है, मूवमेंट करता है, तो एक रिकॉग्नाइजेबल मतलब सुनने लायक, जाना पहचाना साउंड निकलता है, उसको हम लोग स्पीच कहते हैं, भाषा कहते हैं. सेकेंड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पोस्चर एंड मूवमेंट आर ऑफन एसोसिएटेड विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मीन्स हमारा ह्यूमन बॉडी का जो पोस्चर होता है और मूवमेंट होता है वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. मीन्स हम अपने हाथ हिलाकर किसी को बुलाते हैं या किसी भी तरह का इशारा करते हैं, या फिर अपना शरीर का मूवमेंट से किसी भी इंसान को इशारे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है. एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में नोडिंग द हेड मतलब कि सिर को हिलाकर यस करना या ना करना, यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. एंड वन मोर,
श्रगिंग द सोल्जर, सोल्जर को सरकाना, सोल्जर को ऐसे उचकाना या फिर किसी भी तरह का सोल्जर से सरकाकर पोस्चर बनाकर किसी को इशारे करना, यही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड सम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जांपल चेंज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन मे नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ बोन्स, एंड कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बोन्स का मूवमेंट नहीं होता है, जैसे हमारा फेस एक्सप्रेशन, जब हम उदास होते हैं या खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है उसी तरह का हो जाता है। सामने का कोई भी इंसान या व्यक्ति देखकर हमें बता सकता है कि ये बंदा हैप्पी है या सैड है, इसी को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देन गाइस, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, एंड अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।